तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं सोनमन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों बताऊँ, हम जो इनोवा हाईक्रॉस कंटिन्यू रोज एक नई नई वीडियो लेके आए हैं, तो आज एक नई वीडियो लेके आए हैं और हमारे पास आई है दो इनोवा हाईक्रॉस। और ये दोनों हाईक्रॉस में जो हम अभी काम कर रहे हैं, पहले हम इसका बेसिक आपको दिखा दें कि इसमें अभी हम क्या करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम डीआरएल इंस्टॉल किए हैं, ये फ्लोरलाइट लगाए हैं और उसके बाद ये फ्रंट रन जो है, ये फ्रंट रन भी इसमें इंस्टॉल किए हैं, बम्पर कॉर्नर लगाया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ मड फ्लैप जो है, ये मड फ्लैप भी इसमें फिटिंग किए गए हैं, प्रॉपर फिटिंग में है ये। साइड फिटिंग की बात करूँ तो साइड फिटिंग भी इसमें फिटिंग किए गए हैं, लोअर गार्निश भी इसमें लगा है। और बात करूँ स्टेयरिंग कवर की, तो स्टेयरिंग कवर ओरिजिनल रैपिंग किया जा रहा है इसमें। इसका फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद भी मैं एक छोटा वीडियो दूंगा आपको। मैं एक बार दिखाऊँ यहाँ पे, ये डोर गार्ड जो है, डोर गार्ड भी लगाए गए हैं इसमें। मैं एक बार बैक साइड से बात करूँ तो यहाँ पे ये बम्पर कॉर्नर और ये फ्रंट रन एंड बैक रन इसमें लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं। मैं अभी इसमें दिखाऊँ तो इसमें ट्रंक मैट भी इसमें डाले गए हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा ये ट्रंक मैट क्यूपो का है, ये बहुत प्रीमियम फिटिंग में रहता है। और यहाँ पे दूसरी गाड़ी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बकेट फिटिंग सीट कवर जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। फिटिंग इसका 0-0 रहने वाला है। इसका फिटमेंट जो है आप चेक कर सकते हैं, बहुत प्रीमियम फिटिंग में इसका देख सकते हैं, कट टू कट इसका स्टिचिंग जो है और फिटिंग प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी का किया जा रहा है। इस गाड़ी में अभी पूरा काम है, तो जैसे जैसे इस गाड़ी का काम होगा मैं आपको वीडियो दूंगा। तो यहाँ पे दिखाऊँ फ्रंट से तो हर कोई आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो बैक साइड से फिटिंग कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, प्रॉपर पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक डाल के रखते हैं ताकि यहाँ से ये टूटे ना और एक अपने आप में मजबूत रहता है। यहाँ पे मोनोग्राम जो है सोनमन का, आपको मोनोग्राम मिल जाता है प्रॉपर। तो देख सकते हैं ये वारंटी में आपको मिलता है। फिटिंग देख सकते हैं बिल्कुल 0-0 फिटिंग, ये डबल स्टिचिंग है, कहीं से 1 इंची का व्रिंकल जो है आपको नहीं मिलेगा। सीट कवर के अंदर में मैं बात करूं, और भी सारा काम हो रहा है, तो जैसे जैसे काम होता है। सीट कवर फिटिंग करने में कितना टाइम लग जाता है? 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में कर देते हैं फिटिंग। ये फिटिंग आपने किया, सिलाई खोल के किया है? हाँ जी, सिलाई खोल के हमने कटिंग वटिंग करके बिल्कुल कांटे प्रॉपर लगा। तो इसका फिटिंग जो है प्रॉपर कांटे से कांटे किए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ हेडरेस्ट का, तो हेडरेस्ट का फिटमेंट कुछ ऐसा मिल जाता है इनोवा हाईक्रॉस के अंदर में। मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं अभी गाड़ी पूरा खुला पड़ा है। पूरा काम होने के बाद फाइनल वीडियो देता हूँ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सीट कवर का जो काम है वो फाइनली हो गया, फ्लोरिंग भी कर दिया गया है। इसमें सीट कवर का फिटमेंट जो है कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। ये यहाँ पे उस्ताद जी अभी नट को टाइट कर रहे हैं। शुक्र पूरा इंटीरियर कलर में इसको किया गया है, यहाँ पे ये साफ हो जाएगा, देख सकते हैं। फिटमेंट जो है कुछ ऐसा मिल जाता, आपका पूरा इंटीरियर ही चेंज हो गया है। पूरा फाइनल होने के बाद वीडियो देता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं बताया था, ये काम फाइनली हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 90 मैट से। तो ये देख सकते हैं इसका प्रॉपर फिटिंग में है ये 90 मैट। फिटमेंट कुछ ऐसा मिल जाता है, ऑटो फर्निश का ये जो है मैट, और ये इंटीरियर कलर में है। एक्चुअली डैशबोर्ड पे आपका कलर ब्राउन आता है, तो इसके अकॉर्डिंग सीट कवर भी प्रॉपर फिटमेंट में इसको तैयार किया गया है, बकेट फिटमेंट में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका आमरेस भी प्रॉपर मिल जाता है। कंडक्टर साइड का फिटिंग कुछ ऐसा मिल जाता है प्रॉपर। ये तो फर्स्ट मतलब फ्रंट साइड का हो गया, मैं एक बार लेके आऊँ सेकेंड साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकेंड साइड में, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मैट जो है, ये प्रॉपर मैट का फिटिंग आया है। फिटमेंट प्रॉपर 0-0, यहाँ पे आपका ब्रांडिंग का लोगो मिल जाता है। सीट कवर का फिटमेंट कुछ ऐसा मिल जाता है, ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा फिटमेंट मिल जाता है। और बात करूँ बैक साइड से, बैक साइड का फिटमेंट कुछ ऐसा जो है, ये प्रॉपर फिटमेंट में मैट का भी ये सारा फिटमेंट पूरा जो है सो कि आ जाता है। ये इस हिसाब से कुछ इनोवा हाईक्रॉस को कम्प्लीट किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर मैं एक बार दिखाऊँ तो फ्रंट साइड से ये DRL जो है, ये DRL भी इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं DRL है, ये प्रोजेक्टर वाला फोग लाइट है, स्किड प्लेट है, ये है इनोवा का बैजिंग है। ये DRL देख सकते हैं जो काम कैसे कर रहा है, ये जबरदस्त है। ये सारा काम किया गया सोनमन कार।